हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सेशन में हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरीज अपलोड करते हैं, जिसके आप साइनोनिम्स देखेंगे और उसके हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे और कुछ एडिटोरियल से चूज किए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसमें होते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। पहले देखते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल है स्पाई इन हैंड ऑन पेगासस स्पाईवेयर इशू, जो अभी हाल ही में इसराइल की एक संस्था है पेगासस, उसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि वह भारतीय पत्रकारों की जासूसी किया है, तो उसी पर बेस्ड यह आर्टिकल है। तो आज 21 जुलाई 2021 को यह आर्टिकल पब्लिश किया गया है द हिंदू में। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम शुरू करने जा रहे हैं आज के वर्ड लिस्ट। आज के वर्ड लिस्ट में सबसे फर्स्ट वर्ड है रिवेलेशंस, यानी कि रहस्योद्घाटन, किसी भी राज को पर्दाफाश कर देना रिवेलेशंस कहलाता है, जिसका साइनोनिम्स डिस्क्लोजर, डिवुलजेंस, ये इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंशियल, यानी कि जिसके कुछ होने की संभावना हो, कोई कार्य जिसके होने की कुछ संभावना हो उसे कहते हैं डिवुलजेंस, पोटेंशियल, जिसका साइनोनिम्स पॉसिबल, लाइकली, प्रोस्पेक्टिव, ये इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है येल्ड, यानी कि हार मान लेना। इसका दो अर्थों में यूज किया जाता है, एक देना के सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया था सेंटेंस में उसका मतलब हार मान लेना होता है, जिसका साइनोनिम्स देखेंगे सरेंडर, कैपिचुलेट, सबमिट। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस, यानी कि सबूत, साक्ष्य, जो कोर्ट में किसी भी आपराधिक मामले में अपराध को सिद्ध करने के लिए सबूत मांगा जाता है उसी को एविडेंस कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स प्रूफ, कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है विशियस, यानी कि निर्मम, कटु, जो क्रूर होता है, जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसे उसके जो एडजेक्टिव होता है उसकी क्वालिटी होती है उसे विशियस कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स देखेंगे ब्रूटल, फेरोसियस, सेवेज। ये चारों वर्ड एसएससी में पूछा गया है, विशियस, ब्रूटल, फेरोसियस, सेवेज, ये एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है एंटिटी, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ए थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, जिसका खुद का स्वायत्व हो, जो स्वतंत्र हो, और किसी ऐसी संस्था उसी को हम एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है डिसइंजेनियस, किसी के अंदर बेईमानी होती है, पाप भरा होता है, उसके क्वालिटी को डिसइंजेनियस कहते हैं, या एडजेक्टिव है, जिसका साइनोनिम्स डिसऑनेस्ट, डुप्लीसियस, ये इसके साइनोनिम्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड या फ्रेज है। अब हर एक एग्जाम में फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इसे देखना बहुत जरूरी है। यह है टर्न इनटू, यानी कि इसका मतलब होता है किसी को परिवर्तित कर देना एक किसी पार्टिकुलर थिंग में, इट मीन्स की ट्रांसफॉर्म इनटू ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बियर ऑन, यह एक फ्रेज है। बियर इट मीन्स होता है सहना, लेकिन जब ऑन लग गया तो यह फ्रेज हो गया, इसे टोलरेट भी कहते हैं, लेकिन बियर ऑन फ्रेज का अर्थ बदल जाता है, बी रेलेवेंट टू समथिंग, किसी के लिए, मतलब अच्छे के सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नेसेसिएट, यानी किसी भी चीज को नेसेसरी बना देना, उसे खास बना देना, जरूरत के लिए बना देना, उसे नेसेसिएट कहते हैं, नेसेसरी वर्ड से ही नेसेसिएट बना है, जिसके साइनोनिम्स इंटेल, रिक्वायर, कॉल फॉर, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है हरासमेंट, यानी किसी परेशानी, उत्पीड़न, परेशानी में डालना, उसका उत्पीड़न करना, उसका किसी का, किसी को प्रेशराइज करके, प्रेशर देके, उसे कब्जे में लेके उसका हरासमेंट करना, उत्पीड़न करना हरासमेंट कहलाता है, जिसका साइनोनिम्स परसिक्यूशन, बोदर, हायरिंग। नेक्स्ट वर्ड है टर्पिट्यूड, इट मीन्स की दुष्टता करना, बदमाशी करना, जिसके अंदर दुष्टता भरी होती है, पाप भरा होता है, जिसके साइनोनिम्स विकडनेस, इमोरलिटी, जिसमें मोरल नाम का कोई चीज ना हो, सेंस नाम का कोई चीज ना हो। नेक्स्ट वर्ड है सर्विलेंस, यानी कि निगरानी करना, जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो उसके यहाँ लिखा गया रहता है कि यू आर अंडर सर्विलेंस, यानी आप कैमरे की निगरानी में है, तो उसे ही सर्विलेंस कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स वॉच, व्यू, इंस्पेक्शन, किसी का जांच पड़ताल करना, जो सर्विलेंस कहलाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी, यह पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में, जिसका मतलब होता है क्षमादान, किसी को क्षमादान, उसको किसी भी अपराध से मुक्त करके क्षमा दे दी जाती है, उसे एमनेस्टी कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स पैराडन,
रिप्राइव, डिस्चार्ज। नेक्स्ट वर्ड है इनकंक्लूसिव, यानी कि अनिश्चायक, जिसके घटने की संभावना ना हो, अनिश्चायक जो अनिश्चित हो, जिसका साइनोनिम्स इनडिसिसिव, इनडिफिनिट, अनप्रूव्ड, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, किसी पे विश्वास हो, ट्रस्ट हो, किसी कोई अच्छे काम करता है किसी के लिए तो वो उस पर उसका विश्वास बन जाता है, उसे क्रेडिबल से क्रेडिबिलिटी वर्ड बना है, जिसका साइनोनिम्स ट्रस्टवर्थीनेस, इंटेग्रिटी, ये वर्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एबोमिनेबल, यानी कि बहुत बुरा, घृणा के संबंध में इस वर्ड का यूज किया जाता है, जिसके अंदर पाप भरा हो, जिसका साइनोनिम्स लोथसम, ऑडियस, हेटफुल, हेटफुल यानी कि घृणा होता है। नेक्स्ट वर्ड है फॉल बैक, यह फ्रेज है, इट मीन्स पीछे हट जाना, कोई जब लड़ाई में, युद्ध में, बैटल में, ग्राउंड में कोई अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाता है, या फिर पीछे हट के तैयारी करने के लिए भी हटता है, उसे फॉल बैक वर्ड से डिनोट करते हैं फ्रेज से, जिसका साइनोनिम्स रिट्रीट, पुल बैक, विड्रॉल, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट है इंटरसेप्टिंग, यानी कि अवरुद्ध करना या पकड़ना, किसी को स्टॉप कर देना, पकड़ के बंद कर देना, रुक देना, जिसका साइनोनिम्स स्टॉप, सीज, कैच, ग्रैब, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेट, यानी कि किसी दो व्यक्तियों या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई घनिष्ठ संबंध हो, यानी कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड जोन में घनिष्ठ संबंध तो होता है, उसी प्रकार से इंटीमेट होता है, इसका मतलब कि घनिष्ठ संबंध होता है, जिसका साइनोनिम्स क्लोज, ब्लॉसम, नियर, डियर। नेक्स्ट वर्ड है कोहोर्ट, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन सेंस, एस्थेटिकल कैरेक्टराइज, इट मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं, एक ग्रुप के पीपल जिसमें कुछ सभी लोगों में एक कॉमन चीज हो, यानी कि उनके कैरेक्टर मेल खाते हो एक दूसरे से, उसे कहते हैं कोहोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑन द कंट्रोरी, कंट्रेरी, यह एक फ्रेज है, फ्रेज के रूप में हमेशा सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, इट मीन्स यूज टू इंटेंसिफाई ए डेनियल ऑफ व्हाट हैज जस्ट बीन इम्प्लाइड और स्टेटेड, किसी भी कार्य के खिलाफ कोई एक रूल लागू कर दिया जाता है, लेकिन उसको जो मना कर देता है, ये डेनियल, डिनाई से डेनियल वर्ड बना है, उसको मना कर देता है, उसके खिलाफ विरोधाभास पैदा करता है, तो उसी के लिए ऑन द कंट्रेरी फ्रेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है वोयरिज्म, इट मीन्स की एंजॉयमेंट फ्रॉम सीइंग द पेन ऑफ पेन और डिस्ट्रेस ऑफ अदर, किसी दूसरे के दुख या पीड़ा को देख के खुशी महसूस करना, जो करता है उसके अंदर की भावना को वोयरिज्म कहा जाता है, इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सेबोटेज, यानी कि तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, उसे बर्बाद करने के सेंस में भी सेबोटेज वर्ड का यूज किया जाता है, जिसका साइनोनिम्स रेक, वैंडलाइज, डिस्ट्रॉय, ये सब है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जाके एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल पे डेली इसका PDF आपको मिलेगा, विद ग्रामर रूल्स भी या प्रैक्टिस टेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे। और इस चैनल पे यदि आप नए हैं इंग्लिश वेब अकेडमी पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।